पुलिस के पास बुधवार को शिजान की कस्टडी का आखिरी दिन है। उसके हर बयान को वेरीफाई किया जा रहा है। 17 लोगों से पूछताछ करके उन बयानों को दर्ज किया जा चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि शिजान बार बार बयान बदल रहा है, इससे पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन एक बार शिजान को फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो उसके लिए कुछ भी कहानी गढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शिजान की पुलिस कस्टडी का आज तीसरा दिन है। ऐसे में पुलिस के पास सच तक पहुंचने के लिए वक्त कम है। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। कई और लोगों से पूछताछ होनी है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस लगातार उन आखिरी 15 मिनट का सच पता करने की कोशिश कर रही है जिनमें तुनिशा ने जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला किया। ऐसे में पुलिस के पास कुछ तकनीकी सबूतों का आसरा है। पुलिस की जांच इसी आधार पर आगे बढ़ रही। पुलिस के पास मामले को अंजाम तक पहुंचाने के 5 रास्ते हैं। इसमें सबसे अहम तुनिशा शिजान का फोन है जिसमें दोनों की चैट दर्ज है, जिसे रिट्रीव किया जा रहा है। इससे पुलिस को मदद मिलेगी। दोस्तों के बयान भी अहम है। इसी तरह आखिरी 15 मिनट की बातचीत से भी सबूत मिल सकते हैं। इसी लिहाज से पुलिस सेट पर मौजूद लोगों से बार बार पूछताछ कर रही है। इस बीच शिजान लगातार बयान बदल रहा है। शिजान का पहला बयान ये था कि उम्र और धर्म की वजह से उसने ब्रेकअप किया, यानी ये साफ है कि ब्रेकअप की पहल शिजान ने ही की थी। दूसरा बयान, इसके बाद शिजान ने बयान दिया कि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से वो डर गया था और उसने पीछे हटने का फैसला किया था। उसका यह बयान सबसे हैरानी भरा था। अब शिजान ने एक बार फिर नया बयान दिया है। सूत्रों की माने तो उसने कहा कि दोनों के परिवार ही शादी के लिए राजी नहीं थे। यह बयान सबसे आधारहीन लगता है क्योंकि तुनिशा की मां खुद कह चुकी हैं कि वो बार बार शिजान को मनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शिजान को काफी समझाया था। तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहां पहुंचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी पहले। हम यहाँ वालिव स्टेशन के बाहर मौजूद है। उसे यहाँ गोपनीय कक्ष में ले जाया गया है। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है, उससे पूछताछ अंदर चल रही है। उसके ऊपर दफा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगा है। ये आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस कस्टडी दी गई है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 28 दिसंबर तक। लेकिन एक अहम मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो शिजान है वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है, इसीलिए पुलिस ने हर एक एंगल से वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया है ताकि जो कथन है उसका वो मेल खा सके और उसे बार बार स्टेटमेंट बदल ना सके। खुदकुशी के मामले में प्यार, तकरार, मजहब और ब्रेकअप वाली कई थ्योरियां जुड़ी हुई हैं। सच की तलाश में पुलिस लगातार बार बार अली बाबा शो के सेट पर पहुंच रही है जहां तुनिशा ने अपनी जान दी थी। जानकारों के मुताबिक पुलिस अपनी पड़ताल सबसे ज्यादा उन 15 मिनट्स पर फोकस कर रही है जब 3 बजे तुनिशा और शिजान ने एक साथ लंच किया था और फिर 15 मिनट बाद यानी 3:15 पर तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तुनिशा मामले में अभी भी जांच जारी है और इस बीच तुनिशा के परिवार ने संगीन आरोप लगाए कि शिजान के कई लड़कियों से संबंध थे। मोबाइल की फोरेंसिक जांच से कुछ और राज खुल सकते हैं। कल भी तुनिशा की मां ने कहा था कि तुनिशा ने शिजान को दूसरी लड़कियों से चैट करते देख लिया था, इसके बाद ही वो तनाव में थी। लेकिन सवाल ये कि शिजान की जिंदगी में वो लड़कियां कौन थी। तुनिशा और शिजान की यह करीबी बताती है कि वो दोनों कितने नजदीक थे। तुनिशा अपनी जिंदगी में शिजान के आने से बेहद खुश थी। शिजान के बर्ताव से भी लग रहा है कि वो तुनिशा को काफी चाहता और दोनों के रिश्तों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जो दरार का सबब बने या जुदा होने का रास्ता तैयार करे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से शिजान बदल गया? क्यों शिजान ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया
और लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। उसने तुनिशा की माँ से कह दिया कि मुझे माफ करो। शिजान ने तुनिशा से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया? क्या शिजान किसी और लड़की को चाहता था? शिजान की जिंदगी में वो कौन थी? तुनिशा के परिवार का सीधा आरोप है कि शिजान दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में था और इसीलिए उसने तुनिशा को धोखा दिया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया और इसी के चलते वो काफी तनाव में थी। जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी वो, बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या ज़रूरत थी पहले।